जवाब मेरे पास है। डॉक्टर कपिल आप? हाँ, मैं ही वो खूनी हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश है इंस्पेक्टर। डॉक्टर कपिल आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप भला किसी का खून क्यों करेंगे? ये मैं नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये खून मैंने कैसे और क्यों किया, लेकिन ये खून मैंने ही किया है इन्हीं लोगों को। इसके पीछे है ये सीप। आप जल्दी से मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, वरना मेरे हाथों कहीं एक और खून में हो जाए, शायद आप ही का। डॉक्टर कपिल से मिलने के लिए मुंबई से यहाँ भागे चले आए। लगता है डॉक्टर कपिल आपके अच्छे दोस्तों में से होंगे। वैसे कब आए आप यहाँ? ये आज आए। कहाँ ठहरे? जी पांगरो कॉटेज। और कोई साथ है या अकेले ही? जी मेरी पत्नी मेरे साथ है, उन्हें वहीं छोड़ा है बाकी काम संभालने के लिए, और मैं सीधे यहाँ चला आया। डॉक्टर कपिल को आप अच्छी तरह से जानते हैं? एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है, विश्वास नहीं होता कभी किसी का खून कर सकते हैं। नरेश जी, जिन डॉक्टर कपिल को आप पहले जानते थे और जिस इंसान से अभी आप मिलेंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर कपिल, जानवरों जैसा बर्ताव किया। मुझे याद ही नहीं नरेश। इंस्पेक्टर अनुप कह रहे थे कि वो सारे खून तुमने किए हैं, सही है? हाँ सही है, ये सारे खून मैंने ही किए हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा ये सब मैंने कैसे किया, कैसे किया। मैं खून आपने किया और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं, लेकिन किसी का खून आप करेंगे ही क्यों? पता नहीं नरेश, काफी समय से मैं अपने बस में नहीं रहा। यह सिलसिला करीब 5 महीने पहले शुरू हुआ है। उन दिनों मैं बस यहां आया ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह समुंदर के किनारे घूमने गया था।
बड़ी अजीब सीप है, इसे सुमित के पास ले जाना चाहिए, वही इसके बारे में कुछ बता सकता है। मेरे ख्याल से ये सीप करीब 3200 साल पुरानी है। 3200 साल? इतने पुरानी? हाँ, उस समय यहाँ कुछ आदिवासी रहा करते थे। कहते हैं कि उन लोगों का विश्वास था कि समुद्र में कुछ अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। अद्भुत शक्तियां? अगर उस समय कोई नाव समंदर में खो जाती थी या किसी आदमी को शार्क मछली खा जाती थी तो वो लोग ये समझते थे कि उसे समंदर के राक्षस ने खा लिया। लेकिन इस सीप पर लिखा क्या है? ये भाषा आपके समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी। तो फिर बताइए ना, ये क्या है? इस पर लिखा है कि जब बुलाओगे वो जरूर आएगा। कौन आएगा? कोई जानवर या राक्षस जो समंदर में छुपा रहता था, ऐसा उन आदिवासियों का मानना था। इतनी पुरानी चीज हाथ लग गई है, इसे तो मैं संभाल के रखूंगा। देखो, ये चीज पुरानी जरूर है मगर इसमें कुछ गड़बड़ है। इसे तुम जल्दी से जल्दी कहीं फेंक दो। क्यों? इसे जरा कान में लगा के देखो। पुरानी की आवाज? हाँ, इसे मैं कह रहा हूं कि इसे कहीं फेंक दो और इसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। यार मैं भी तो एक साइंटिस्ट हूं, जरा देखूं तो ये इसमें से आवाज आती कैसे है। ठीक है, तो तुम अगर इसे अपने पास रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कभी भी भूल से थूकना नहीं, वरना वो बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन मैं तो इसमें फूंक मार चुका हूं यार। गॉड, तुम फूंक मार चुके हो? लेकिन कुछ नहीं हुआ यार, रिलैक्स यार। देखो मेरी बात मानो तो आज ही रात अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। याद रखना मेरी बात को। Thank you.
दोषी नहीं, मैं कौन था और कौन हूं? कभी मैं अपने आप को अपने काबू में पाता तो कभी कुछ और ही बन जाता, जैसे जैसे एक जिंदा लाश जिसके अंदर मानो कोई कोई घुस कर बैठ गया हो। फिर मैं बेहोश हो जाता था अक्सर। तब वो जानवर आप पे हावी हो जाता था और आप किसी का भी खून कर देते थे। हाँ, मैं ना अपने आप को किसी लाश के नजदीक पाता था, ताजी ताजी लाश। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हो चला कि मुझे मुझे कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ था? इस बार जब मैंने अपने आप को उस लाश के करीब पाया ना, तब मैंने देखा तो मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। तो मैंने अपना इरादा पक्का कर दिया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बताना तो मैं भूल ही गया। क्या बात है डॉक्टर? मेरे पास आ बोलो डॉक्टर। और पास आओ ना। सॉरी टू से नरेश, लेकिन डॉक्टर कपिल बिल्कुल पागल हो गए। सीप के बारे में बोल रहे थे, आपने उसे यही रखा है। वहां रखिए। मगर उसका इन हादसों से क्या लेना देना? नरेश जी, आप डॉक्टर कपिल के बातों में मत आइए। नरेश, तुम जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ, मुझे यहां से ले चलो, यहां से ले चलो मुझे। सुनो, मुझे यहां से ले चलो। देखो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ले चलो ना मुझे, मत जाओ। क्या बात है नरेश, आज इतने उदास क्यों हो? रोमा, डॉक्टर कपिल का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। उनकी वो अजीब सी हरकतें, उनका हर वाक्य अभी मेरे कानों में गूंज रहा है। और वो कह रहे थे कि ये सारे खून उनसे किसी ने करवाए हैं। अभी के लिए ये सब रहने दो, अपना दूध पी लो और बाकी का मुझे कल सुबह बताना।
खून। अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। इनके पागलपन ने दो लोगों की जान ली है, एक पुलिस वाले की और एक अपने खुद की। खैर, अब ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्टर नरेश, मरते समय डॉक्टर कपिल ने जेल की दीवार पर आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। क्या? इस सीप को खत्म करो। शायद डॉक्टर कपिल को ऐसा लगता था कि ये सीप ही है जो उनसे सब कुछ करवाती थी। खैर, अब हमें इस सीप से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए अब ये केस खत्म हो चुका है। आप चाहे तो इस सीप को रख सकते हैं। पुलिस वाले चाहे विश्वास करें या ना करें नरेश, पर मुझे लगता है कि ये सीप ही जिम्मेदार है। इसमें कोई राक्षस छुपा हुआ है। जब कपिल ने इसमें भूखा था तब से ही परेशानियां शुरू हो गई थी। अब हमें वही करना है जो डॉक्टर कपिल ने कहा था। जी बाहर नहीं है, दोपहर तक आपका इंतजार करके खरीदने की शॉपिंग करके इवनिंग वॉक पर जाएंगे। देखो।
का दरवाजा खुला है, कोई घर में आया है। क्या हो? ये देखो पैरों के निशान, ये देखो। ये पैरों के निशान थोड़ी है, रेती उड़कर आई है हवा में। रेती तो है लेकिन पैरों के निशानों के साथ मैं कह रहा हूँ कोई यहाँ आया है। समंदर किनारे तो नहीं गई थी? हाँ गई थी। वहां से कुछ उठाया तो नहीं था? कोई कोई सीप? हाँ अच्छा अच्छा, उठाई थी मैंने एक सीप। कहाँ है वो? वहां रखिए। वो शैतान, वो चीज यहां पहुंच चुकी है। एक बात बताओ, तुमने कहीं सीप में फूका तो नहीं? हाँ फूका था तो? रोमा, तुमने उस जानवर को यहां बुला लिया है? क्या? उस चीज को यहां बुला लिया है? वो यही कहीं हमारे इर्द गिर्द है। फेंकने के बावजूद वापस आ गई, मेरी पत्नी को मिली, उसे भी डॉक्टर कपिल की तरह उसमें फूका, उसे भी वही हो गया जो डॉक्टर कपिल को हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप नरेश? डॉक्टर कपिल के पागलपन के साथ उस सीप का कोई संबंध नहीं था, साइकेट्रिस्ट भी यही बात कह चुके हैं। बाहर में गए वो? डॉक्टर कपिल बिल्कुल ठीक थे। इंस्पेक्टर, ये सीप ही सारे खून करवा रही है। नरेश जी, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है और एक साइकेट्रिस्ट की भी। डॉक्टर कपिल के साथ रह रहकर आप भी उनके पागलपन पर विश्वास करने लगे। कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? इस पर आपको मेरी नहीं मगर मेरी पत्नी रोमा की चिंता होनी चाहिए। इसी पे विश्वास ना करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब? जब तक मैं आपको मतलब समझाऊंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर? हाँ, उस जानवर ने रोमा को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। खून चाहिए और खून होंगे, फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और खून। बाथरूम में नहा रही हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले ही घर पर आई। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सर। कहाँ गई थी तुम? क्या? कहाँ गई थी तुम? क्या मतलब? उसी समुद्र वाले दोस्त से मिलने या फिर किसी का खून करने? क्या नरेश, तुम कब तक ऐसी कहानियां बनाते रहोगे? तुम जानते हो तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और कहां गई थी। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आगे बताना, आगे बताओ, आगे बताओ। मैं बात दूंगा। साहब, 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 वो वहां अपने घर के सामने समुद्र के किनारे किसी की लाश मिली है और पुलिस का कहना है कि यह खून अपने घर के बाहर वाले बीच पर ही हुआ है। God. किसका खून किया तूने? किसका खून किया तूने? पुलिस को बताना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने ये खून कैसे किया, किस चीज से किया होगा? आपके पति देव के ही कहने के मुताबिक आपने ये खून अपने हाथों से किया है
इंस्पेक्टर, मेरे हाथ देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं इन हाथों से ये खून कर सकती हूँ? मगर आप तो ये भी ठीक तरह से नहीं बता रही हैं कि जिस वक्त ये खून हुआ उस वक्त आप कहाँ थी। मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर, मैं बीच पर थी, बीच पर और भी लोग थे। आपके पास क्या सबूत है कि ये खून मैंने किया है? सबूत? मैडम, आपके पति को सिर्फ शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि ये खून आप ही ने किया है। ऐसा क्यों? Why? आपने रोमा को कैसे छोड़ दिया? मिस्टर नरेश, उन पर शक करने या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और कितने सबूत चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? कितने सबूत चाहिए? जिस वक्त खून हुआ वो वहां बाहर थी, और जब मैं घर पहुंचा ना के बाहर आ रही थी, यानी कि सारे सबूत साफ कर चुके थे। स्टॉप इट मिस्टर नरेश, बहुत सुन चुका हूं मैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी कहीं बाहर घूमने जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कातिल है। सीप की वजह से जो उस जानवर को बुलाती है। सीप, सीप, जानवर। मिस्टर नरेश, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि इन सब चीजों का इन खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं? तो इन सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी। जहां तक उस बूढ़े आदमी के खून का सवाल है, शायद उसका खून इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था और अकेला रहता था, बस। बाकी इस केस का उन सारे खूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मिस्टर नरेश, दिस केस इज क्लोज नाउ। मिस्टर नरेश, मेरे ख्याल से अब आपको घर जाकर अपनी पत्नी रोमा से माफी मांग लेनी चाहिए। और एक बात, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एक आदमी है जो मेरी बात पे विश्वास करेगा, सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी है। तो वो सीप आपके घर में पहुंच गई? मेरी पत्नी रोमा को मिली और उसने मुझे बताया ही नहीं। आज मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा वो जानवर? लेकिन मुझे विश्वास है, मैं वो सीप देखते ही समझ गया था कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उस डॉक्टर कपिल ने मेरी बात सुनी ही नहीं। खैर, अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इन आदिवासियों के बारे में थोड़ी और किताबें पढ़ी हैं। कोई तो रास्ता होगा जिससे ये राक्षस जो मेरी बीवी के शरीर में घुस गया है बाहर आ जाए। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है, मैं और किताबें पढ़ रहा हूं, शाम तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगा। प्लीज, उस राक्षस को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए जिसके कारण मेरी रोमा का यह हाल हो गया। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, मगर वो राक्षस अगर रोमा के शरीर से निकल भी गया तो किसी और के शरीर में चला जाएगा। उसको जड़ से खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और एक बात और, क्या? अपनी बीवी को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना। नहीं जाने दूंगा मैं। नरेश, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। नहीं जाने दूंगा। और ये हाथ में क्या है? नहीं बताऊंगा। नरेश, तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ मुझे। नहीं बताऊंगा। दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में क्या है नरेश। नरेश, अच्छा नहीं होगा। नहीं। आ, ये क्या कर रहे हो तुम? नरेश, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? नरेश, तुम छोड़ो। नरेश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो, स्टॉप इट आई सेड। नरेश, क्या कर रहे हो? पागल हो गए तुम? छोड़ दो मुझे, स्टॉप इट। इंस्पेक्टर अनूप। नरेश। हाँ हाँ, मैं नरेश बोल रहा हूँ। क्या पागलपन है? आप फौरन पाम ग्रुप कॉटेज में आ जाइए। छोड़ दो मुझे। आपको आपको सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, फौरन आ जाइए। देखो, छोड़ दो मुझे नरेश, मुझे छोड़ दो। देखो, अच्छा नहीं होगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो।
ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा नरेश, छोड़ दो मुझे। नरेश, मिस्टर नरेश, छोड़ दो मुझे। ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये पागल हो गए हैं, देखो ये क्या कर रखा है। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे छुड़वाइए। हां हां, नहीं 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 नहीं, इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। ये रोमा नहीं, इसके अंदर घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। ओ शट अप, घुसा हुआ जानवर बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो डॉक्टर सुमित, जो पुरानी हर चीज के बारे में जानते हैं, यहाँ आने वाले, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। तब आपको मेरी बात पे यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर नरेश, क्या हो गया है आपको? ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, नरेश सही कह रहा है इंस्पेक्टर, कभी कभी ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक सीप के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी होती है। ये एक हथियार है उस शक्ति को बुलाने का, जिसका पहला शिकार हुए थे डॉक्टर कपिल, और अब दूसरा शिकार है ये रोमा। क्या बकवास है ये सब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज मुझे खोल दीजिए, क्या है सब? नरेश प्लीज। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? देखिए, मुझे अब भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो आप लोग ये साबित करके दिखाइए कि आपके कहने के अनुसार वो जानवर या जो कुछ भी है वो इनके शरीर के अंदर मौजूद है, या इन्हें अभी खोल दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं बहुत समय से पुरानी पुरानी किताबें पढ़ रहा हूँ, और मैंने एक रास्ता भी निकाल लिया है ये साबित करने का कि कभी कभी कोई अद्भुत शक्ति हमारे शरीर पर हावी हो जाती है। कैसे? हाउ? देखिए, अगर आप एक बार इसमें फूंक मारेंगे तो वो अद्भुत शक्ति इसके अंदर आ जाएगी, और अगर आप 3 बार इसमें फूकेंगे तो सीप अपने आप हिलेगी और हमें बता देगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। देखा देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके दिखाऊंगा। डॉक्टर सुमित, आप शुरू हो जाइए। नो डॉक्टर, आप शुरू हो जाइए ना। नो दोबारा फूंके आप इसमें। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं अब नहीं रुक सकता। नहीं नहीं, हमें बताएगी कि इसका असली मालिक किसके शरीर में छुपा हुआ है। इस कोने पर नजर रखिए, अब ये घूमने लगेगी, ये हमें अपने असली मालिक के बारे में बताएगी। देखिए देखिए, देखते रहिए, ये अभी घूमने लगेगी। इसी पर नजर रखिए, इसके वो जानवर इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, झूठ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये जानवर रोमा के शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में है। नहीं नहीं, ये झूठ है। जब 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 उसको देखा खून हुआ था, रोमा उस समय घर पे नहीं थी, ये घर से गायब थी। हाँ, मैं घर में नहीं थी,
लेकिन तुम भी तो नहीं थे, तुम कहाँ थे नरेश? हाँ हाँ बताओ तुम कहाँ थे नरेश? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सर समझ रहा है, जान से मार डालूंगा तुम सबको, जान से मार डाल। मेरा सर, सर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे लगता है वो जानवर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। नहीं नहीं अब ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखो डॉक्टर कपिल ने भी अपने आप गोली मार दी थी, मुझे गोली मार दो। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस जानवर को खत्म करने का। इंस्पेक्टर इसे गोली मार दो, मार दो गोली इंस्पेक्टर, मारो गोली इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर गोली मार दो, मारो गोली। देखो इंस्पेक्टर, नरेश मरा नहीं जख्मी हुआ है। हम कामयाब हो गए। नरेश के शरीर में जो जानवर था वो बहुत ही होशियार था। अब हमें जल्दी इस सीप से छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। नरेश उठ जाओ, हमें जल्दी चलना चाहिए, देर मत करो। चलिए नरेश, जल्दी चलिए। जानवर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।